हेलो गाइस, कैसे हो? उम्मीद करते अच्छे हूँ। तुम्हारा भाई फिर से आ गया एक नए वीडियो के साथ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अपने बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। मेरा नाम मेरा आता आप सभी लोग का स्वागत है एक्सप्रो स्टार यूट्यूब चैनल पर। गाइस, आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे फुट स्टेप साउंड के ऊपर। और गाइस, आपने वीडियो को फुल आवाज करना है, कोई भी पार्ट स्किप नहीं करना, नहीं तो आप प्रो बनते बनते रह जाओगे। गाइस, आपने बहुत सारे बंदों को देखा होगा जब उनके ऊपर बंदे रश करते हैं, जब वो मतलब फुट स्टेप से बता देते हैं बंदे कौन सा पोजीशन पर एंड कहाँ पीपीटी ले रहे हैं। तो आपके साथ भी ऐसा होने वाला है, आप भी फुट स्टेप से बता सकते हैं बंदे कहाँ हैं। और अगर बंदा ऐसे घूम के आता है, मतलब मान लो बंदा घूम के आता है, तो आपको साउंड घूम के आएगा, आपको पता चलेगा बंदा किस पोजीशन पर है और क्या कर रहा है, टीपीपी लेकर रुक गया है। तो ये सब के बारे में फिलहाल इस वीडियो में नहीं बताऊंगा, अगला वीडियो में बताऊंगा। तो सब्सक्राइब बटन ठोक दो ताकि मेरा हर वीडियो आने वाला आप तक पहुंच जाए। गाइस, आने वाला वीडियो में 3 पार्ट होगा, जिसमें कि आपको सब फुट स्टेप के बारे में और गन साउंड के बारे में, ये सब तो आप लोग जानते हैं, M4 चल रहा है, KM चल रहा है, ये सब तो आप लोग इजीली जानते हैं। तो आपको सबको बता दिया जाएगा कैसे मतलब ये सब काम करता है, आपको कैसे साउंड सुनाई देता है और एनिमी के फुट स्टेप से कैसे बंदे जान जाते हैं इस पोजीशन में बंदा खड़ा है, इसको हम लोग जाके इजीली मार सकते हैं। तो गाइस, यह सब टॉपिक पर बात करने से पहले तो एक छोटा सा आप लोग को सेटिंग बता देता हूँ, जो कि ऑडियो साउंड पर होने वाला है। आप इस सेटिंग को कर लेना और आगे वीडियो आने वाले में आपको सबको सब कुछ पता चल जाएगा, तो कोई भी टेंशन मत लेना होगा। गाइस, एक छोटा सा बात बोलना चाहूँगा, आप लोग लाइक कर देना। छोटा यूट्यूबर देख के बहुत सारे बंदे लाइक नहीं करते यार, तो आप लोग लाइक कर देना। आपका एक लाइक से मुझे बहुत ज़्यादा खुशी मिलता है, मोटिवेशन मिलता है, तो लाइक कर देना। अगर वीडियो नहीं पसंद आए तो डिसलाइक बटन सामने रहता है, डिसलाइक बटन दबा दो ताकि मुझे पता चले आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है या नहीं आ रहा है, आगे चल के मैं ऐसा वीडियो नहीं बनाऊँ, तो मतलब कर ही देना। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले आप लोग को क्या करना है, आपको सेटिंग में जाना है। आपको यहाँ पर सेटिंग दिखाई दे रहा होगा और इसके और ऑडियो साउंड में आपको जाना है, ऑडियो साउंड। तो सबसे पहले आपका ये देखना है ये मतलब कोई भी बटन टिप रहा हूँ तो आपको साउंड सुनाई दे रहा है। ये देखो, अभी बैकग्राउंड में साउंड सुन रहा है, ये साउंड सुन रहा है। तो इसको साउंड को क्या करना है, आपको इसको देखो यहाँ पर लिखा है UI। तो UI मतलब आपका साउंड है, जो भी पबजी लाइट का साउंड है, जो भी हम लोग को इनवाइट करता है उसका साउंड, जो हम लोग इनवाइट करते हैं उसका साउंड, ये सब मतलब बाहर का साउंड रहता है। तो इसको क्या करना है, आपको साउंड को कम करना है ताकि जो भी बंदे के साथ खेलो तो आप कुछ क्लिक करो तो उसको ना दिखाई दे। बहुत सारे बंदे जाके केडी देखते हैं तो सामने वाला को पता चल जाता है, तो आपके मोबाइल से उसके कान में साउंड जाता है, वो हेडफोन पहन रहा था, तो उनको पता चल जाता है ये बंदा कुछ कर रहा है, मतलब कुछ क्लिक कर रहा है। तो इसको आपको UI यहाँ पर आप लोगों को UI है तो UI को कम कर लेना है ताकि अगला वाला जो बंदा है उसके सामने कम साउंड जाए, जो भी आप क्लिक करें तो भी उसके सामने कम साउंड जाए और उनको पता ना चले आप क्या कर रहे हो और उसको डिस्टर्ब भी ना हो इस साउंड से। तो गाइस, दूसरा सेटिंग की बात कर लेते हैं। अगर ऑडियो की बात करें तो गाइस, ये ऑडियो फुल रहता है, तो ऑडियो को वैसे फुल रहेगा तो आपका म्यूजिक साउंड, जो कि म्यूजिक साउंड है, जब आप लॉबी में खड़ा रहते हैं तो वो जन को डिस्टर्ब करता है, मतलब म्यूजिक साउंड, तो आपको म्यूजिक भी कम कर लेना है। तो ऐसे म्यूजिक कम कर लेना, तो ये सब आपको ध्यान से सेटिंग करना है ताकि आप आने वाला वीडियो में अच्छे से एडजस्ट कर पाओ, आपको समझ पाए। ये सब सेटिंग करना है आपको अभी, ठीक है, अभी ध्यान से करना है ताकि आप लोग तो मतलब एक अच्छे प्रो प्लेयर बन पाओ। गाइस, आपको नीचे 2 सेटिंग दिखाई दे रहा होगा, आपका ध्यान है, तो एक है माइक्रो साउंड, एक है स्पीकर। तो ये जो माइक्रो साउंड है इससे क्या होता है, अगर इसको हम लोग फुल घटा देंगे, पूरा घटा देंगे, तो आपका जो मैक से साउंड निकलने जो आप बोलते हो तो आपका टीममेट पास नहीं पहुंचेगा। अगर हम इसको आधा रखते हैं, ठीक है, तो आपका जो साउंड है जो आपके टीममेट पास पहुंचने वाला है वो बहुत धीमा पहुंचेगा, मतलब लो आवाज़ में पहुंचेगा। लेकिन आपका जो पहले से सेटिंग दिया रहता है ये फुल दिया रहता है, जब भी आप बोलते हैं तो आपका साउंड पूरा फुल जाता है, जैसे आप बोलते हो वैसे ही आपका साउंड जाता है आपके टीममेट पास। तो क्या होता है, आप बहुत ज़्यादा मतलब ऊँचा बोलते हैं तो इसको आपको क्या करना है, घटा के रख देना है, इतना मतलब आधा कर देना। अगर आप बहुत ज़्यादा मतलब धीरे बोलते हैं तो इसको आपको क्या करना है, पूरा फुल ही रहने देना है, ठीक है, माइक्रो साउंड को। और ये स्पीकर क्या है, स्पीकर आपका आसपास का आवाज़ जो होने वाला मोमेंट है वो सब कैच करता है और आपके पास मतलब आपका टीममेट का आवाज़ भेजता है, मतलब आसपास क्या हो रहा है,
आपके आसपास क्या हो रहा है उसको आवाज़ भेजता उछता रहता है। तो गाइस इससे क्या होता है, हम लोग को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होता है और उनका साउंड बहुत तेज आता है, ठीक है। तो उनको आपका साउंड को क्या करना है, इसको हटा देना है, उनका भी साउंड कम आएगा और जो भी उसका आसपास होने वाला मोमेंट है, जो भी जैसे पंखा उनका कुछ भी गिर रहा है या गिलास विलास गिर रहा है, तो शर्ट का साउंड आपको बहुत ही कम आएगा। इसको आपको आधा रखना है, इसको भी आपको आधा रखना है, तो आपकी फुटस्टेप का जो सुनने का साउंड है ना वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। गाइस मैं फाइनली पबजी लाइट गेम प्ले के अंदर आ गया हूँ। गाइस सॉरी गाइस बोट आ गया था। तो गाइस मैं फाइनली गेम प्ले के अंदर आ गया हूँ। तो गाइस आपको जाना है ऑडियो साउंड में, ठीक है। और ये दो सेटिंग के बारे में मैं बता देता हूँ, एक तो मास्टर है ऊपर साइड में, एक एस एक्स। तो ये साउंड क्या है, जब भी इस साउंड को लो करोगे, ठीक है, तो आपका जो गन साउंड जो मोमेंट हो रहा है मैप में, जो आगे बंदे गन चला रहे हैं उसका साउंड नहीं आएगा। जैसे मैं भी गन चलाऊंगा तो देखो साउंड नहीं आ रहा ना, और मेरा फुट स्टेप भी नहीं है, ठीक है। देखो मैं चल रहा हूँ, मेरा फुट स्टेप आ रहा है क्या, और सामने कोई एनिमी का है तो फुट स्टेप नहीं आएगा। तो हर हमेशा इसको क्या करना है, आपको फुल करके रखना है, ठीक है। हर हमेशा इसको आपको फुल करके रखना है। अगर इसका बात करें तो एस एफ एक्स इसका बात करें तो दोनों में सेम ही है। अगर इसको भी कम कर दोगे तो आपका जो गन का साउंड है वो आएगा, ठीक है, लेकिन एनिमी उनमी का जो साउंड है वो नहीं आएगा, ठीक है। तो इसको भी आपको मतलब हाई में ही रखना है, इसको भी आपको फुल करना है, ठीक है। मास्टर को भी मतलब एस एफ एक्स को भी आपको फुल करके रखना है, इसको भी नहीं घटाना, ठीक है। अरे हो गया मेरा फ़ोन क्या हो गया। हाँ तो इसको भी फुल करके रखना है। भाई आज के सेटिंग बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक बटन दबा देना और सब्सक्राइब बटन जरूर दबा देना। अगर आपको बीसी परचेस करना है तो एक लिंक मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन में दूंगा, तो आपको वो बीसी दे देगा। आपका साथ कोई स्कैम या फ्रॉड नहीं होने वाला है, आपको 100% वो बीसी देगा, नहीं तो मुझसे बात कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में आपको बताया जाएगा बंदे का फुट स्टेप साउंड कैसे आता है, आप कैसे पता लगा सकते हैं बंदा आपके पास आ रहा है, कितना दूरी पर, कितना मीटर दूर पर, कितना बंदे, और गन साउंड कैसे पता लगा सकते, कौन सा गन चल रहा है, तो शायद सफरी बारे में, ठीक है। तो इतना नहीं करना। तो गाइस वीडियो को लाइक जरूर कर देना। चलो थैंक फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में।